नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक नई और रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिया है कद्दू। कद्दू दो तरह के होते हैं, एक एक जो होता है वो वाइट कलर का कद्दू होता है, जिसको हम इंग्लिश में एश गार्ड भी बोलते हैं। ये हमारा पीला कद्दू है, जो अभी काफ़ी सस्ता भी आ रहा है, अभी सीजन भी है। तो आज मैं आपको कद्दू का जूस के बारे में बता रही हूँ कि हमें कद्दू का जूस क्यों पीना चाहिए, क्या फ़ायदा करता है। मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें सारे तरह के मिनरल्स, विटामिन सब कुछ होता है, और किन किन लोगों को देना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, दिन भर गुस्से में रहते हो, उनका आपको ये कद्दू का जूस पिलाना चाहिए। दूसरी बात, जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को पीरियड्स में कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, आप उनको अगर पीरियड्स के दौरान अगर आप 4 या 5 गिलास जूस बना के दिन भर में चाय कॉफ़ी नहीं देंगे, उसके बजाय अगर आप ये जूस देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। और आपको मेमोरी अगर लॉस हो गई है तो उसमें भी आपको कद्दू बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कोई भी चीज़ कहाँ रख के भूल गई, ये है वो है, मतलब दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है दोस्तों, किसी को डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, पाचन क्षमता कमज़ोर हो गई है, डाइजेशन गड़बड़ हो गया है, अधिक पेट पेट पे, मतलब स्टोमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है आपकी आंतों के लिए रिलेटेड, तो उसमें आप इसका जूस बना के दीजिए कच्चा, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है दोस्तों। तो आज मैं आपको इसका जूस बना के मैं बता रही हूँ। ये मैंने कद्दू को अच्छी तरह से धो के, आप चाहो तो इसका छिलका हटा भी सकते हो और नहीं भी हटा सकते हो, मैंने हटाया है छिलका, ये अपनी अपनी चॉइस है ना। तो अब मैं इसको मिक्सर में बनाऊँगी। तो मैं अब ये सारे कद्दू के जितने भी पीस कर लिए हैं मैंने धो के अच्छी तरीके से, और अब मैं इन सबको इसमें मिक्सर में डालूँगी। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा टेस्टी जूस बनता है, क्योंकि इसका अपना है, कोई स्वाद नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें हम स्वाद बढ़ाने के लिए, आप चाहो तो इसमें सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें काला नमक का, मुझे काला नमक थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं इसमें काला नमक डालना ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। आपको अलग से ऊपर से कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर आप इसमें पहले से ही नींबू और नमक पहले से मिला लेंगे तो आपको ऊपर से। ये मैंने नींबू काट लिया था दोस्तों, ये देखिए, ये नींबू हम ऊपर पहले से इसमें मिला देंगे, ताकि जब ये मिक्सी में ग्राइंड होगा तो इसमें अच्छी तरह से ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आप चाहिए तो अगर टेस्ट बढ़ाने के लिए अपनी मनपसंद से आप उसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, आप चाहिए तो इसमें चाट मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ। ये मैंने हमने नींबू का पूरा जूस में मिला दिया, मेरे एक हाथ में कैमरा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड करके मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कद्दू को उसमें मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, उसके बाद इसको छान लिया है। देखिए ये हमारा कितना अच्छा कद्दू का जूस बन के तैयार हुआ है दोस्तों। तो आप अपनी फैमिली में, आपके सबके लिए आप ये जूस बनाइए और पिलाइए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।